आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लगइन बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो ऑन क्लाउड फॉर फ्री। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, वर्डप्रेस होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर्स के वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बैकअप प्लगइन के बारे में। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में इसके बारे में मैंशन भी किया है, तो आज मैं आप लोगों को एक फ्री और आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग बैकअप ले सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का। सो एक यहाँ पर सेपरेट प्लगइन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपकी होस्टिंग कंपनी यहाँ पर बैकअप के ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करा रही है या आपने एक ऐसा पैकेज लिया है जिस पे बैकअप के ऑप्शन नहीं है, तब आपको एक सेपरेट प्लगइन का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और अपनी क्लाउड सर्विस पे उसको रखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने कोई एक नए होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ आप लोग गए हो, तो फिर आपको ऑन अ सेफर साइड आपको एक सेपरेट बैकअप रखना चाहिए कि अगर कल को वो होस्टिंग बंद हो जाए तो फिर एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप हो जिसके थ्रू आप लोग अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सको। थर्ड, अगर आपको फिर भी एक बैकअप रखना है होस्टिंग से अलग, तो भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो कि यार मुझे एक और बैकअप रखना है। फोर्थ, अगर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए बैकअप चाहिए कि ठीक है मेरी होस्टिंग कंपनी बैकअप ले रही है, लेकिन इन केस अगर वहाँ पे मैलवेयर अटैक हो जाए, डेटा सेंटर जल जाए या कुछ भी हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, मेरी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू आता है, तो मुझे उसका एक सेपरेट बैकअप रखना है अपने पास मेरी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सेपरेट बैकअप प्लगइन इन केस अगर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो। सो ये है वो प्लगइन अपड्राफ्ट प्लस। नाउ इसका प्रीमियम वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्री वर्जन का यूज़ करेंगे। प्रीमियम के भी मैं आपको फीचर्स बता दूंगा, बट मेजॉरिटी लोगों का काम यहाँ पर फ्री वर्जन पे हो जाएगा। ये वर्डप्रेस पर आपको मिल जाएगा उनके प्लगइन स्टोर के ऊपर, और जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोगों को जाना है सेटिंग्स में अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स पे। यहाँ पर हमें आ जाना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में हमें यहाँ पे शेड्यूल कर देना है कि हमारे बैकअप्स कितने टाइम बाद आने चाहिए, कितने टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि वो डेली हो, और तीन बैकअप्स मैं चाहता हूँ, मैं तीन बैकअप से ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि डेली वो एक मेरा बैकअप ले ले मेरी फाइल्स का और डेटाबेस का। मैं डेली चाहता हूँ, और डेटाबेस के मैं यहाँ पे ज़्यादा बैकअप्स रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 30 बैकअप्स भी बोल सकता हूँ कि आप लोग डेटाबेस के 30 बैकअप्स रखो, क्योंकि डेटाबेस यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, फाइल बैकअप जो रहता है वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर मैं इसको 3 कर सकता हूँ, आप लोग चाहे 30 कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्टोरेज है तो। एंड डू रिमेंबर, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी जो आपकी रैम है उसको कंज्यूम करेगा जब भी ये बैकअप क्रिएट करेगा, तो वो होता है हर होस्टिंग हर प्लगइन के साथ में वो होगा जिससे भी आप लोग बैकअप लोगे। तो बहुत ज़्यादा मत रखो कि आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया एवरी 4 आवर, एवरी 8 आवर, एवरी 12 आवर, डेली रख लो, वीकली रख लो, ताकि जो आपकी होस्टिंग है उस पर ज़्यादा लोड नहीं आए। देन यहाँ पर हमें रिमोट स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें से पेड हैं, जो फ्री वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। फ्री में हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स है, एंड यू कैन यूज़ गूगल ड्राइव ऑल्सो। मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करना, तो ड्रॉप बॉक्स पर चले जाएँ आप लोग। एंड देन यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने ड्रॉप बॉक्स अकाउंट के साथ में। जैसे मैं इसमें यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये कनेक्शन का मुझे एक पॉपअप दे देगा। तो यहाँ पर मेरा ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट कनेक्ट हो गया है कृपेश आडवाणी के नाम से, ठीक है। 21.5% यूज है और इतनी स्पेस यहाँ पर खाली है, दैट इज़ फाइन। आप लोग भी फ्री वाला ड्रॉप बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स में चले जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करके, और ड्रॉप बॉक्स पर जैसे आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि आप ऑथेंटिकेट यहाँ पर हो चुके हो, दैट इज़ गुड। और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे बैकअप एंड रिस्टोर पे। अब ये हर दिन आपका एक बैकअप लेते जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करते जाएगा ड्रॉप बॉक्स के ऊपर। तो ये एक तरीके से हमारा क्लाउड बैकअप हो गया। तो ये मेरे पिछले 3 दिन के बैकअप्स, 25 तारीख को लिया इसने, 26 को लिया और 27 को लिया। अब ये ड्रॉप बॉक्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ड्रॉप बॉक्स में भी मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कि आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग ड्रॉप बॉक्स पर लॉगिन करोगे, आपको जाना है ऐप्स के ऊपर। इनसाइड ऐप्स यू विल फाइंड दिस updraftplus.com। इसके अंदर आपके सारे यहाँ पे बैकअप्स रहेंगे। तो ये रहे मेरे बैकअप्स, ये 3 बैकअप्स हैं जो इसने लिए हैं। और अगर मुझे रिस्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जनवरी 26 का रिस्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करूँगा। एंड देन क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे रिस्टोर कर देनी है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड डाउनलोडिंग बैकअप्स, ये क्लाउड से सारे बैकअप्स को डाउनलोड कर रहा है। डेटाबेस मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसका यहाँ पे फाइल साइज़ कम रहता है। तो ये हो गया, ठीक है, बैकअप एक्टिव हैव बीन सक्सेसफुली प्रोसेस, ठीक है, इसने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रिस्टोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वेरिफिकेशन, डेटाबेस क्लीनिंग फिनिश्ड, ठीक है, रिस्टोर कर लो आप, ठीक है, आई विल वेट, ठीक है, हो गया,
ओके, ऑल इज़ डन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इजीली रिस्टोर भी कर सकते हैं, और ये सब फ्री वर्जन में ही चल रहा है, एट प्रेजेंट मेरा नहीं है। वर्डप्रेस हैव बीन अपडेटेड, ठीक है ओके। अपडेट वर्डप्रेस डेटाबेस, ओके। एक्चुअल में क्या था, वो वर्डप्रेस का जो डेटाबेस था वो था 5.8 का, और अब यहाँ पर मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस 5.9, तो इसलिए मुझे ये एरर आ रहा था, बट ठीक है अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इनका प्रीमियम वर्जन भी है, मैं क्विकली उसके भी आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको $70 में मिल जाएगा 2 वेबसाइट्स के लिए 1 साल के लिए। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हम लोग यहाँ पर 2 वेबसाइट्स के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंटल बैकअप्स है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स मीन्स सिर्फ वही बैकअप्स को अपलोड किया जाएगा जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट में पिछले 2 दिन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है तो वो अपलोड नहीं किए जाएंगे। कुछ छोटा सा चेंज हुआ है तो वो सिर्फ जो छोटा सा पार्ट है सिर्फ उसी को अपलोड किया जाएगा, तो दैट इज़ इंक्रीमेंटल बैकअप। एंड इसमें स्पेस कम लेंगे अगर आपके क्लाउड स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही है, लाइक रोज़ 200 200 MB का बैकअप बना रहा है, इसलिए पहले उसने 200 MB का बनाया, फिर 20 MB का बनाया, फिर 15 MB का बनाया, तो वो होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। देन मल्टीपल स्टोरेज डेस्टिनेशन मिल जाएगी कि मुझे पी क्लाउड पे भी सेव करना है, मुझे गूगल ड्राइव पे भी करना है, अमेजोन पे भी करना है, मुझे कोई S3 बकेट का भी यूज़ करना है, मैं सब पे एक साथ यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक बैकअप, ठीक है अपडेट्स के पहले वो खुद ही बैकअप ले लेगा, बहुत ज़्यादा उसका मेजर एडवांटेज नहीं दिखता। माइग्रेटर मिल जाएगा अगर आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो माइग्रेटर यहाँ पर इनकी एक फंक्शनैलिटी है कि वर्डप्रेस को माइग्रेट करने के लिए। इम्पोर्टर है, अगर हम लोगों ने किसी दूसरे प्लगइन से बैकअप लिया है उसके थ्रू अगर हमें इम्पोर्ट करना है, उस बैकअप को इम्पोर्ट करना है तो पेड वर्जन से हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग है, फिक्स बैकअप टाइम है। बैकअप टाइम मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो बैकअप है वो रात को 12 बजे लिया जाए जब मेरी वेबसाइट पे सबसे कम यूज़र्स होते हैं, तो अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो पेड वर्जन इनका लेना पड़ेगा। देन ठीक है, वेब डेव का सपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, SFTP है अगर आपको FTP सिक्योर FTP चाहिए, वो सारी चीज़ें तो है इसमें। अमेजोन S3 का सपोर्ट है, गूगल ड्राइव में अगर आपको सब फोल्डर्स बनाने हैं तो उसके लिए भी आप लोग ले सकते हो। फ्री अपडेट्स, ठीक है 1 साल तक मिलेगी, सपोर्ट है, ठीक है। और फ्री स्टोरेज है, अपड्राफ्ट वॉल्ट मीन्स यहाँ पर आपको 1 GB का फ्री स्टोरेज मिलेगा इनके क्लाउड के ऊपर, दैट इज़ अपड्राफ्ट वॉल्ट। तो इनका खुद का एक रिमोट स्टोरेज प्रोडक्ट है जो कि आई थिंक S3, अमेजोन S3 पर बेस्ड है। एंड देन अपड्राफ्ट क्लोन है, क्लोन इज़ बेसिकली लाइक अ स्टेजिंग वेबसाइट टाइप ये बना देता है, और यहाँ पर आपको कोई एड्स भी नहीं देखने को मिलता है अगर आप लोग प्रीमियम वर्जन लेते हो तो। तो अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब अगर मैं इसके प्रोस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना, और फ्री वर्जन इसका काफ़ी अच्छा है। फ्री वर्जन में आप बैकअप भी ले सकते हो, क्लाउड पर भी अपलोड कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो, तो फ्री वर्जन मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है। कुछ कॉन्स के इसके बारे में बात करूँ तो लार्ज वेबसाइट्स में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जितनी भी वेबसाइट पर ट्राई किया है वो 1 GB के अंदर ही थी, लेकिन 1 GB के जो ऊपर थी उसमें आपको कभी कभार रिस्टोरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बैकअप तो ले लेता है लेकिन रिस्टोर में कभी कभार यहाँ पर कुछ एरर्स आ जाते हैं। और जो उसका प्रीमियम वर्जन है वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पे लगा है, कंसिडरिंग $70 1 साल के लिए 2 वेबसाइट के लिए। तो अगर ये 1 वेबसाइट के लिए होता तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता कि आपने $30 में या फिर $35 में 1 वेबसाइट के लिए दे रहे हो, तो ठीक है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पे ये मुझे लगा है। सो कमिंग ऑन टू बॉटम लाइन, आई थिंक everyone शुड यूज़ अपड्राफ्ट प्लस अगर आपको सेपरेट बैकअप लेना है। फ्री प्लगइन देख रहे हो तो फ्री प्लगइन इनका काफ़ी अच्छा है, अगर आपको फ्री में चाहिए तो इट इज़ रियली गुड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्री प्लगइन्स आउट देयर फॉर टेकिंग योर बैकअप्स ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। और पेड वर्जन के बारे में बात करूँ तो जितने भी मैंने इसके प्रीमियम फीचर्स बताए, अगर आपको लग रहा है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन गो फॉर द पेड वर्जन, मीन्स इफ यू हैव द रिक्वायरमेंट देन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।